गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और आज हमारे टॉपिक रहेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार्ट कर लेते हैं। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो डाइपोल हमारा एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है और यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वली स्पेस्ड लाइन लेते हैं, हमेशा पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइन। तो यहां ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट किया, दिखाया, और इसको हम इसकी स्ट्रेंथ है मान लीजिए ये और ई, और ये चार ये आपका डाइपोल रखा है, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, माइनस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इस पे फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज पे क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज पे माइनस क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये कब लगेगा, जब आपका डाइपोल मोमेंट हम माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की डायरेक्शन में लेके, तो पी कैप की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और मान लीजिए उस टाइम पे हमने यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया बी सी, क्लियर है। तो वी ऑब्जर्व दैट, अब हम देखते हैं कि डाइपोल पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, नेट फोर्स ऑफ डाइपोल, तो नेट फोर्स क्यूई लग रहा है प्लस चार्ज पे, माइनस क्यूई नेगेटिव चार्ज पे, प्लस माइनस क्यू पे, तो नेट फोर्स तो डाइपोल पे हमेशा जीरो रहेगा अगर वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। तो जैसे हम कहते हैं ना, नेट चार्ज डाइपोल पे माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो ही होता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अगर हम किसी क्लोज सरफेस में डाइपोल को रख दें तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज मिलके उस पर जीरो चार्ज आएगा हमेशा ऐसे ही। लेकिन जब किसी कैलकुलेशन में बात करते हैं तो चार्ज ऑफ डाइपोल का मतलब आइदर ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ऐसे यहां पे जो दो फोर्स लग रहे हैं इससे इंस्टेंट पे जब वो थीटा एंगल बना रहे हैं, तो QE प्लस माइनस QE, तो यहां पे जो फोर्स है ये भी हमेशा उसके ऊपर जीरो ही रहेगा। तो जब हम किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो आइदर ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, लेकिन नेट फोर्स जीरो रहेगा अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। अब जब ये फोर्स लग रहे हैं इक्वल और अपोजिट QE और माइनस QE, तो जब दो किसी बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो दे विल रोटेट द बॉडी। तो इन फोर्स को बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, इसको इधर रोटेट करना चाहेगा, ये इसको इधर रोटेट करना चाहेगा। तो इसका मतलब टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क कितना लगे यहां पे देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स, आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, क्लियर। तो ये हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स तो क्यू ई हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, तो ये आपके डाइपोल की लेंथ 2a, जो आपकी ए बी वाली लेंथ, हमें दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी है, तो इसको अगर हम दिखाएं थीटा के टर्म में, 2a के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो इस हिसाब से Q into 2A तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, तो P E sin थीटा हो जाएगा। P कहां से आया, P is equal to Q into 2A होता है, हमें पता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये होगा जो डिपेंड करेगा P पे, E पे और थीटा पे, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म अगर कोई कहे तो टॉर्क होगा यहां पे पी क्रॉस ई के बराबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर और उनके क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो जैसे इस केस में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अगर मैं ई की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करूं तो जिधर मेरा थंब जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर। तो यहाँ पे थंब मेरा जा रहा है अंदर की तरफ इनवर्ट टू द प्लेन। तो अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्लियर। तो यहाँ पे टॉर्क इतना लगेगा। तो नेट फोर्स हमेशा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल पे जीरो ही रहेगा, लेकिन टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा थीटा पे, पीई और थीटा पे ये डिपेंड करेगा। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, मान लीजिए फर्स्ट केस में व्हेन पी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हेन डाइपोल इज लाइंग पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर डाइपोल है तो अगर मैं मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सारी लाइन नहीं बनाते बस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन दिखाई मैंने, और यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हमारा डाइपोल और माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तभी तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके पैरेलल हुआ, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई प्लस और इधर को माइनस क्यू ई। तो इस केस में थीटा की वैल्यू तो हो गई जीरो, तो फिर टॉर्क होगा पीई साइन थीटा के हिसाब से साइन जीरो जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, और हम इस को कहेंगे कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, और इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है डाइपोल, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां इसलिए कहते हैं कि जो ये टॉर्क लग रहा है अगर मैं इस डाइपोल को जरा सा डिस्प्लेस करूं अपनी पोजीशन से यहां से, तो इस पे हमने डिस्प्लेस किया लेकिन इस पे जो ये फोर्स लग रहा है ये वाला इधर को ये माइनस क्यू इधर को, तो इसके वापस रोटेट करके इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे। तो अगर मैं डिस्प्लेस करके रिलीज करता हूं तो डाइपोल विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो जो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क होगा ये इसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड, अगर डाइपोल पैरेलल ना होके एंटी पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा जीरो था, ठीक है, यहाँ पे थीटा आपका हो गया 180 डिग्री, तो थीटा जीरो डिग्री था यहाँ पे तो पहले केस में, और इस केस में थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, और साइन 180 भी जीरो ही होता तो टॉर्क तो अब भी जीरो ही होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ये रही, लेकिन आपका डाइपोल कैसे रखा है, फिर डाइपोल इस बार डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट है, तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हम इधर लेते हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है माइनस चार्ज पे, तो माइनस क्यू ई और प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू ई ये फोर्स लगेंगे। अब मैं अगर डाइपोल को जरा सा डिस्प्लेस कर दूं अपनी पोजीशन से, तो जो ये फोर्स लग रहे हैं क्यू ई इधर को और प्लस क्यू ई इधर को, ये इसको इस तरह से घुमा के आगे ले जाएंगे, इसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आने की टेंडेंसी होगी। तो इस टॉर्क की वजह से, इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो इसको इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लाएगा, अगर हम इसको जरा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उसको घुमा के ले जाएगा, जब तक घुमाएगा जब तक यह स्टेबल में ना पहुंच जाए, तो इसलिए इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि जब तक एंगल 180 है तब तक रहेगा सीधा ऐसे ही लाइन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा हिला देंगे ये यहां से अपनी टेंडेंसी नहीं होगी वापस आने की और ये स्टेबल में जाएगा, तो इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल कहते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के
परपेंडिकुलर हो आपका डाइपोल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये केस कौन सा हुआ कि जब आपका थर्ड केस, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हम लाइन बना ही लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी, जो इसको इक्वल ये है, यहाँ पहले दो केस में हमने नहीं बनाई, वहां डायरेक्शन दिखा दी, यहाँ बना लेते हैं, चलो रिप्रेजेंट करने के लिए चीजें समझ आनी चाहिए। तो ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल, तो क्यू ई इस पे फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई इस पे लगेगा। तो इस टाइम पे जो इस पे टॉर्क लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस टाइम पे आपके डाइपोल पे। तो ये आपका केस हो गया डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 0 पे देखा, 180 पे देखा, दोनों केस में टॉर्क 0 होगा, एक में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है पहले वाले में, दूसरे में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, और तीसरे में इस पे जो टॉर्क लगेगा ये मैक्सिमम होगा। तो अब हम थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, एडिशनल यानी कि थोड़ा सा हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर डाइपोल is in a non-uniform external field, अगर non-uniform में हो तब क्या होगा, तो बस इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे ब्रीफ में, non-uniform external field। अब डाइपोल आपका रखा है, तो non-uniform external field का मतलब क्या है कि फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही किसी भी डायरेक्शन में, तो अगर डाइपोल पे उस टाइम पे फोर्स लगेगा, तो ध्यान रखना नेट फोर्स हमेशा इस बार 0 नहीं होगा डाइपोल पे, तो क्यू ई या माइनस क्यू ई में से कोई एक बड़ा होगा, जब ये 90 डिग्री के अलावा किसी भी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो एफ नेट देखा, पहले केस में एक्सटर्नल फील्ड जब यूनिफॉर्म था, तो हर केस में किसी भी केस में थीटा कोई भी हो, 0, 180, 90 या कुछ और, वहां पे फोर्स हमेशा नेट 0 होता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ही नहीं है डाइपोल का, अपनी जगह रहेगा, लेकिन इसमें फोर्स नेट लगेगा और डाइपोल मूव कर सकता है, इस डिपेंड करेगा किस तरह से रखा है, तो वो फिर उसी हिसाब से मूव करेगा। तो मान लीजिए हम पहला ही केस देख लेते हैं इसका, कि भाई थीटा अगर हो, कोई थीटा की वैल्यू थीटा हो, तो फोर्स तो नेट 0 हो गई, थीटा का मतलब 0 से अलग हो, तो टॉर्क भी कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक यही हो 0 डिग्री, यानी कि अगर डाइपोल पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग जरूर है लेकिन डायरेक्शन तो है, तो पी अगर पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो फिर उस केस में टॉर्क तो स्पेस में 0 आ जाएगा, लेकिन आपको पता है हर केस में उस पे नेट फोर्स लगेगा। तो इस केस में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इंक्रीजिंग है लेफ्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इंक्रीजिंग है इस बार, और यहां आपका रखा है डाइपोल इसी फील्ड में, तो सारी लाइन ना बना के मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा दिया, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग फील्ड है, तो इधर को एक फोर्स लगेगा QE, ठीक है, इधर को डाइपोल पे फोर्स लगेगा मान लीजिए QE डैश, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है इसलिए डैश लिखाना है। तो इस फोर्स को अगर मैं F कहूं, F इसे F डैश कहूं, तो यहां पे नेट फोर्स कितना लगेगा डाइपोल पे, F नेट, तो F नेट जो होगा क्योंकि F बड़ा है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, बस मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है F बड़ा है F डैश से, तो F बड़ा F डैश से, तो F माइनस F डैश, इस पर एक नेट फोर्स लगेगा F के डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों यहाँ पे F इज ग्रेटर देन F डैश है, तो ये बड़ा 0 के से बराबर नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड केस क्या है, जब डाइपोल एंटी पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क तो यहाँ 0 होगा लेकिन हमें पता है डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स जरूर लगेगा, और अगर मान लीजिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लिया हमने लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग, लेकिन इस बार आप क्या लेफ्ट टू राइट लिया इंक्रीजिंग, इस बार हमारा प्लस चार्ज इधर है माइनस चार्ज इधर है,
तो फोर्स लगेगा QE, और इस फोर्स को हम QE डैश कह लेते हैं, जो माइनस इधर प्लस चार्ज पे लग रहा है इस बार, इसको QE कह लेते हैं, उसको माइनस चार्ज वाले पे QE डैश कहते हैं, पहले भी माइनस वाले को QE डैश ही कहा था हमने। तो F नॉट कितना लगेगा इस केस में, तो F नेट किधर लगेगा, कौन सा फोर्स बढ़ा है, क्योंकि चार्ज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो राइट में तो माइनस चार्ज है, तो माइनस फील्ड जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं उसको F डैश ही कहूँ इस बार और इसको F नाम दें, तो फिर इस केस में यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो F डैश विल बी ग्रेटर देन F, तो नेट फोर्स होगा F डैश माइनस F एंड नॉट इक्वल टू जीरो। और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस पे नेट फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी F से इस बार बड़ा है F डैश, F से इस बार बड़ा है F डैश, F पे हमने लिया है प्लस चार्ज पे लगने वाले को, एफ डैश लिया है माइनस है, तो एफ डैश बड़ा है, तो इस बार नेट फोर्स लेफ्ट को लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो आप एक बार देख लीजिए, स्पेशल केस पढ़े थे हमने, डाइपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में है, थीटा जीरो है, 180 है, तो टॉर्क जीरो होगा दोनों केस में, एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे में अनस्टेबल, थीटा अगर 90 है तो इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पढ़ रहे हैं हम, तो फोर्स हमेशा हर कंडीशन में नेट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और थीटा अगर कोई वैल्यू है जीरो 180 के अलावा तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ लगेगा, तो और अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा 180 है तो टॉर्क जीरो होगा, लेकिन फोर्स कितना लगेगा, अगर इंक्रीजिंग फील्ड में है और डाइपोल पैरेलल रखा है तो इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगा, और अगर डाइपोल रखा है एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीजिंग फील्ड में, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक नेट फोर्स अप्लाई होगा और ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम पढ़ लें तो हमें चीजें क्लियर आ जाती है समझ में। तो एक दिन हमने एक केस पढ़ा था चार्ज्ड कॉम वाला, तो वही आज भी देखते हैं, चार्ज्ड कॉम जब किसी पीस ऑफ पेपर पे फोर्स लगाएगा, तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है उसके हिसाब से हम इस चीज को कितने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। यही चीजें हैं जो हमें पता चलती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं फिजिक्स, जो हम अपने आसपास की इवेंट देख रहे हैं उनको हमें फिजिक्स की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना है। तो ये आपका कॉम्ब है, चार्ज है, आपको ने किसी ऐसे सब्सटेंस पर किया कि इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसके टीथ पे नेगेटिव चार्ज है जिस पोर्शन को आपने रब किया, और यहां रखा है आपका पीस ऑफ पेपर मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं चीजों को समझाने के लिए। तो जब कॉम्ब को आप लेके जाओगे, कॉम्ब को यहाँ, आप यहाँ से कॉम्ब पकड़ोगे तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड बॉडी है, जहां चार्ज है वहीं पे रिजाइड करेगा। तो जब आप इसके पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे, पीस ऑफ पेपर, जब आप करते हो ये एक्सपेरिमेंट क्लास में कॉम्ब को जो चार्ज्ड है, चार्ज्ड कॉम्ब, तो जब आप पेपर के पास लेके गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पीस ऑफ पेपर आ गया, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो प्लस चार्ज देखो किधर मूव करेगा, तो आपका कॉम तो नेगेटिवली चार्ज है तो ये कॉम की तरफ को, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो जो मॉलिक्यूल है आपके पीस ऑफ पेपर, उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्यू ई डैश कह लो चलो, और ये इस डायरेक्शन में क्यू ई, अलग इसलिए बोल रहे हैं क्यू ई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हम दोनों को एक नाम तो नहीं दे सकते, तो हम नीचे वाले को कह रहे हैं क्यू ई डैश, और वेक्टर में लिखें, और मैं इसको फोर्स को एफ डैश भी नाम दे देते हैं जो नेगेटिव चार्ज पे लगेगा, और इस फोर्स को जो पॉजिटिव पे लगेगा उसे हम एफ नाम दे देते हैं। अब ऐसे ही हर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज उधर को, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पे अगेंस्ट, तो आपके मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे, इसे कहते हैं पोलराइजेशन हो गया इलेक्ट्रिकल। और इसी वजह से अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ एक माइनस सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ सिग्मा प्लस ही हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब हर मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल की बात करूँ मैं,
ईच मॉलिक्यूल पे थोड़ा कम ज्यादा लगा है, कोई पास है मॉलिक्यूल कोई दूर है, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो फोर्स जो होगा अगर यहाँ पे एफ बड़ा होगा हर मॉलिक्यूल के केस में मैग्नीट्यूड में एफ डैश से, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एफ माइनस एफ डैश लगेगा, और एफ एट्रैक्टिव है, एफ डैश रिपल्सिव है कॉम के हिसाब से, तो इसका मतलब से नेट एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसी वजह से जो पीस ऑफ पेपर है वो कॉम की तरफ को अट्रैक्ट होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, नेट फोर्स कुछ नहीं ये लगेगा इस अमाउंट का, क्लियर है। और ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले हमने इंड्यूस्ड चार्ज के हिसाब से उस दिन एक्सप्लेन किया था, और आज हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि भाई अब तक जो हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट। तो हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डबल चार्ज की वजह से निकाला तो दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दोनों का फिर प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन से सम कर दिया, यानी कि डाइपोल के केस में ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि इतने सारे चार्जेज हो जाएं, इनफाइनाइट चार्जेज हो जाएं, तो फिर आप क्या करोगे, या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट, अगर चार्ज हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वायर है, बहुत लेंथ है इसकी, और इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दिया, ठीक है, लाइन चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज, इसकी वजह से आपको इस वायर से कहीं किसी पोर्शन से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक पहले हम एक छोटा पार्ट लेंगे डेल्टा एल, और मान लीजिए उस पर चार्ज है डेल्टा क्यू, ठीक है, तो और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे तो हम इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकते हैं, मान लीजिए वो ही डी ई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम दिखाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल से, और डेल्टा एल अगर टेंस टू जीरो वो छोटा लेंगे हम, तो फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल से, ठीक है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से, इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट्री, जो वेरी स्मॉल पार्ट है आपका डेल्टा एल, या बहुत छोटा कहेंगे तो डी एल, तो इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपने पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, ये वेरी वेरी स्मॉल पार्ट लिया आपने, और ये होगा चार्ज इस पे दैट इज डी क्यू, और जो डिस्टेंस है इसके पी पॉइंट से, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और के डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एल, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी डी एल, यहाँ से इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई ये तो पूरे वायर की वजह से निकालना ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी, तो वो ई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, यानी कि इस तरह के हम स्मॉल स्मॉल पार्ट लेके पूरे वायर पे और उन सबका सम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपके यहाँ पे लग गया, तो ये हो जाएगा के इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डी एल। तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो ये उस पोर्शन की वजह से स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, मतलब निकल आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू कह सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ना होके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस बार, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज इस बार किसी शीट पे टू डायमेंशनल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली होना जरूरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट है, और बहुत लार्ज नंबर लार्ज साइज की शीट है, तो इस पे हम इसकी वजह से इसी तरह से जैसे लाइन चार्ज की वजह से निकाला सेम मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल सेम। तो इस पे मान लीजिए हमने एक छोटा पोर्शन ले लिया, मान लीजिए ये डेल्टा एस, और इस पे चार्ज है डेल्टा Q,
क्यू, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, जो इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डी ई, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्मा हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होगा डेल्टा क्यू, क्यू कौन सा लिया आपने, स्मॉल ले लो, हर जगह एक जैसे ले लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, और डेल्टा एस अगर बहुत हम जीरो के पास ले यानी कि बहुत स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल करके, तो हम उस चार्ज उस केस में हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। तो इसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, तो डी ई इज इक्वल टू तो के वही डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो डी क्यू की यहाँ से देखे सिग्मा इंटू डी एस, तो सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा नेट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर पूरे पोर्शन की वजह से, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का काम होगा यहाँ पे, और हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी, यानी कि इस तरह के पोर्शन ले लेके हम पूरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट बाहर सिग्मा, सिग्मा को हम अंदर इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है या यहाँ यूनिफॉर्म है किसी पोर्शन पे यूनिफॉर्म ना हो सिग्मा जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, तो इसलिए हमने इसको अंदर ही दिखाया है। अब थर्ड केस है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस बार आपका जो चार्ज है वो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से लिख लेते हैं, और आपका इस तरह की इरेगुलर कोई बॉडी है इरेगुलर, और ये थ्री डायमेंशनल दिखाने के लिए मैंने थोड़ा इस तरह से दिखा दिया, थ्री डायमेंशनल है ये, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से फिर पी पॉइंट पे मान लीजिए इसका एक पोर्शन लेंगे हम थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशन मान लीजिए डेल्टा वी वॉल्यूम का है, उस पर डेल्टा क्यू चार्ज है, डेल्टा क्यू स्मॉल क्यू से दिखा रहे हैं, और यहाँ आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेम मेथड, इसमें कुछ भी हमने डिफरेंट नहीं करके बिल्कुल सिमिलैरिटी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, तो दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो फिर अगर डेल्टा वी टेंस टू जीरो तो फिर हम इसी चीज को लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, तो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या है के, तो यहाँ इसकी वैल्यू है रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका, तो वो ये सेम मेथड इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रोल आ जाता है फिर यहाँ पे, और के कांस्टेंट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये आपका सिग्मा नहीं रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके ये एलिमेंट्री पार्ट की वजह से और ये नेट निकल गया। इक्वेशन अगर मैं 1-2 बनाया था या 1-1 A1B बना लो, 2 इक्वेशन 2A2B और ये 3A3B लास्ट वाली 3A3B कुछ भी रख लो और समझ आ रहा है चाहिए 3B, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब अगर हमारा चार्ज इनफाइनाइट नंबर में हो, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो कूलम्ब लॉ हमारा काम कर लेता है, लेकिन जब हमारा चार्ज इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट यानी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर ये मेथड रहेगा, क्लियर है। तो ये बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, तो आगे हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे, अब इसके आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू होने वाला है, कि जो आपने देखा कि इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे इतना आसान होगा, जो हमने यहाँ पढ़ लिया ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ हमें आगे एक लॉ आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग, और इन चीजों को हमारे लिए बड़ा ही आसान कर देगा, हमें इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। वो लॉ कौन सा होगा, सस्पेंस। नेक्स्ट देखें,
अब हम थोड़ा सा एक टर्म लेते हैं, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कब से होने लगा? एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, हमने तो आज तक पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा है एरिया इज ए वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ कह रहे हैं कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चीज को देखना, मैं जो लाइन लिख रहा हूं कि इन सम फिजिकल फेनोमिना ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, एरिया का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में आपने एरिया को रखा, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उससे फिजिकल फिनोमिना में चेंज आता है। तो इन सम फिजिकल फिनोमिना ओरिएंटेशन ऑफ एरिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो इसका मतलब वहां पे उन फेनोमेना, इन दोज फेनोमेना एरिया इज ट्रीटेड एज वेक्टर, एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। वेक्टर कभी नहीं होता एरिया, ना होगा आज से बाद में, कभी भी नहीं होगा, ना आज होगा, लेकिन ये कुछ फेनोमेना में इसको हम एरिया की तरह, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मान लीजिए आपका ये कोई एरिया है, तो एरिया वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए यहां पड़ा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर लिया और इसका एरिया मैग्नीट्यूड है एस। तो अगर मैं इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो एरिया वेक्टर एस इज इक्वल टू एस वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहां पे इन चीजों को थोड़ा देखो, तो ये क्या है एरिया वेक्टर, जो अभी हमने पढ़ा कि यहां पे एरिया को वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, और ये क्या है उस सरफेस का एरिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एरिया ऑफ सरफेस, और ये जो डायरेक्शन दिखाने के लिए है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन कहां होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आपका एक एरिया के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, एरिया के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, वो आउटवर्ड नॉर्मल लें, इनवर्ड नॉर्मल लें, तो किस तरह से लें, तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं कि ये डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हो। तो आप कन्वेंशन के हिसाब से डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस अगर कहीं है तो उसके लिए तो कन्वेंशन पहले से ज्यादातर यही लिया जाता है कि क्लोज सरफेस है और इसका हर पोर्शन सेम एंगल नहीं बना रहा एरिया वेक्टर से, तो फिर हम इसके पोर्शन वाइज छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट लेंगे। मान लीजिए डेल्टा एस पार्ट ले लिया, बहुत सारे डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू एंड करेंगे, उसका जो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है। अगर क्लोज सरफेस है तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वहां पे हम एरिया वेक्टर को दिखाएंगे डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस इसका एरिया और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया, और अगर डेल्टा एस इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए नंबर में तो डेल्टा एस का साइज जीरो के पास हो, तो फिर इसी चीज को हम डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस इसका एरिया और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया सरफेस, यानी कि इतना छोटे छोटे पार्ट लेंगे कि हर पार्ट एक प्लेनर एरिया की तरह से हम ट्रीट कर सकें। तो इक्वेशन वन ए बी सी, तो ये होता है एरिया वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एरिया को कुछ फेनोमेना में वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड होता है उस एरिया के बराबर ही जो सरफेस है आपके पास, और डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन लेंगे ये मैटर ऑफ कन्वेंशन होता है, डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हो, किस फेनोमेना को स्टडी कर रहे हो, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए जनरली जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है उसकी डायरेक्शन। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, और जब हमने एरिया वेक्टर पढ़ लिया तो ये हमें यहाँ काम आएगा, ये हमारी एक नई टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो इसके बाद एक लॉ आएगा गॉस लॉ, वो हमारे काम सारे आसान कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, मान लीजिए समझने के लिए पहले देखो, मान लीजिए एक ए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए अभी यूनिफॉर्म ले रहे हैं, और ये इसमें कोई एरिया पड़ा है, एरिया सरफेस ऐसे है इसमें, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए इससे बना रही है थीटा एंगल एस, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितनी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देख रहे होंगे, बड़ा इजी भी है, पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इज ए मेजर या इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे, इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट। तो ये क्या है, इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास होगी एरिया के अंदर से, उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा उसके अंदर से पास होने वाला, यानी कि डिपेंड करेगा यहां पे कि आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है। तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं, मैथमेटिकली हम इसी चीज को क्या दिखाएंगे, मैथमेटिकली फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे फ्लैट एरिया है ये एस और थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ई डॉट एस से दिखाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, और अगर मैं लिखूं तो ई एस कॉस फाई, तो इसका मतलब ई एस कॉस फाई। तो फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपके सामने क्लियर हो गई पिक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा, जो हमने अभी पढ़ा था कि एरिया का ओरिएंटेशन यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए पीछे से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो इसी एरिया के अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो फिर ज्यादा यहां से इतना एरिया कर दिया तो सारी लाइन इसी के अंदर से तो फिर फ्लक्स पास हो गया, अगर हमने इसका थीटा चेंज कर दिया और हम थीटा जीरो डिग्री पे लेके आ गए, थीटा लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी फाई लिखा मैंने, फाई को तो हम फ्लक्स से दिखा रहे हैं, एंगल को हम थीटा से ही दिखाएंगे, तो ये थीटा पे कोस थीटा पे डिपेंड करेगा, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, और वो कब आएगी जब थीटा 0 होगा, यानी कि एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा, जब आपका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के फेस ऑन होगा, पूरा का पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा, क्योंकि हम एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो सरफेस तो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके सामने पूरा का पूरा एरिया का फेस है, तो मैक्सिमम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो कोस थीटा की वैल्यू जब, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज 1, तो यहां से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब केस आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से दिखा दिया, और मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन मान लीजिए सरफेस फ्लैट ना हो और सरफेस कर्व्ड हो, या सरफेस इस तरह की हो, कर्व्ड हो, क्लोज्ड हो, और उसके हर पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, अगर यूनिफॉर्म भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर सरफेस के लिए थोड़े, कोई सरफेस किसी डायरेक्शन में कोई, क्योंकि एरिया वेक्टर तो हम उसके परपेंडिकुलर लेंगे, इस सरफेस के यहां लेंगे एरिया वेक्टर, इस सरफेस के यहां लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के हर पॉइंट पे अलग अलग हो या वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में एरिया वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, तो अगर कर्व्ड सरफेस के केस में, कर्व्ड सरफेस हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर वहां पे हम फ्लक्स को कैसे दिखाएंगे, तो फिर हम छोटे छोटे पोर्शन में पूरी सरफेस को डिवाइड कर लेंगे, डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू, और इसका एरिया वेक्टर एन वन है तो इसका मान लीजिए एन है तो एन डैश मान लीजिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर एरिया वेक्टर एलिमेंट्री पार्ट का होगा, इतने छोटे छोटे पार्ट कर देंगे कि हर पार्ट को प्लेनर लिया जा सके, तो फिर हम छोटे पार्ट को एरिया वेक्टर लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस
इंटू एन, वो फिर फ्लक्स कितना पास होगा उस पोर्शन, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, और नेट फ्लक्स पास करने के लिए हम क्या करें, और डेल्टा s अगर टेंस टू जीरो ले लेंगे, नंबर ऑफ हम अगर एरिया एलिमेंट वेरी लार्ज ले लें, तो फिर हम इसी चीज को हम ds लिखेंगे, और d phi यानी कि उस पोर्शन से पास होने वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा e डॉट ds, और फिर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो फिर हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, phi इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसे, तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करके नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस लेंगे, और अगर क्लोज सरफेस हो तो फिर ये साइन इस तरह से जाता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और phi इक्वल टू बस ये फर्क, क्लोज का साइन आ जाएगा बस, तो फ्लक्स हम ऐसे निकाल लेंगे। तो कुछ नए फ्लक्स के कॉन्सेप्ट एक बार ऊपर से देख लेते हैं, यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ये मेजर है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यू कैन सी इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, मैथमेटिकली phi इक्वल टू ई एस डॉट एस, ई एस कोस थीटा, तो ई पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, ई बढ़ा दोगे इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ानी पड़ेगी आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी आप ड्रॉ करते हो वो मैटर ऑफ चॉइस होता है, एक आदमी एक 1 न्यूटन पर कूलम को 10 लाइन से दिखा सकता है, एक लाइन उसी को 20 से दिखा सकता है, लेकिन एक पूरी स्टडी में हमें उस स्केल को सेम रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे अगर हमने तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एस बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, थीटा कोस थीटा अगर हम बढ़ाएंगे, और कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता जाएगा, कर्व सरफेस हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर एरिया वेक्टर को हम डेल्टा एस की टर्म में, यानी कि प्लेनर पार्ट लेंगे जितना छोटे से छोटा हो सकता है, और फ्लक्स हम डेल्टा फाई डॉट डी एस, और अगर डेल्टा एस वो वेरी लार्ज नंबर में हम ले लेंगे तो डेल्टा एस टेंस टू 0 उसका साइज, तो फिर हम डी फाई लिखेंगे ई डॉट डी एस, यानी कि एक पोर्शन से डी एस से ये, और इस तरह से हर पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, ई डॉट डी निकालेंगे हम नेट फील्ड नेट फ्लक्स निकाल लेंगे पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और क्लोज सरफेस हो तो हम इसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, और ये हो गया, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार देख लेना इस वीडियो को, बाकी सारी टर्म्स जितनी भी आज हमने पढ़ी है वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, थैंक यू।